मैं डॉक्टर चंद्रिका शेखर हूँ, जो ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट होके जेपी नगर के सेकेंड फेज का चिराग हॉस्पिटल और मेटर्निटी सेंटर में कंसल्टेंट हूँ। उसके अलावा मैं मालती मणिपाल हॉस्पिटल, जो जयनगर 9th ब्लॉक में है, और अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल, जो जयनगर 5th ब्लॉक में है, वहाँ भी कंसल्ट करती हूँ। ये सवाल सब सामान्य लोगों को बहुत उठता है आजकल, क्योंकि सामान्य लोग अक्सर समझते हैं कि डॉक्टर लोग बिना कारण सिजेरियन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अक्सर टाइम डॉक्टर सोच के ही करते हैं कि कौन सा तरीके से डिलीवरी करना है। इसलिए हम जब भी पेशेंट्स को देखते हैं, पूरा 9 महीने उनके साथ रहते हैं, पूरा उनके चीज़ समझते हैं, उनके क्या क्या है, कैसे उनके स्वभाव है, वो सब भी समझते हैं। फिर भी हम जब भी लास्ट मंथ में आते हैं, आखिर महीने में जब भी हम चेकअप करते रहते हैं, उधर हम ही थोड़ा सा प्लान करते हैं कि इनका कैसे हो सकता है डिलीवरी, या साधारण डिलीवरी हो सकता है या सिजेरियन कर सकते हैं। सो उसके लिए बहुत फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट तो ये देखते हैं कि उनका स्वभाव कैसे है, उनका टॉलरेंस कैसे है, और वो पेन टॉलरेंस कैसे है, साइकोलॉजी कैसे है, वो सब भी देखने चाहिए। फिर वो सब भी देख के हम उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करके तैयार करते हैं कि ऐसे डिलीवरी मतलब ऐसे होता है, आप लोग इसके लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ये तो सामान्य चीज़ सबको होता है, ऐसे नहीं कि आपको नहीं होता है। इसलिए आपका कोशिश भी है और डॉक्टर का भी कोशिश रहता है, दोनों का कोशिश सफल होने से नॉर्मल हो सकता है। और वो सफल होने के लिए बहुत कारण होता है, जैसे बच्चे कैसे है, बच्चे का कौन सा पार्ट नीचे है, कौन सा पार्ट ऊपर है। जैसे कभी कभी बच्चे का पोजीशन ऐसे रहता है कि उनका साधारण डिलीवरी होना नामुमकिन होता है। जैसे समझो वो आड़ा रहता है, बच्चे आड़ा रहते हैं, मतलब उसके साथ हाथ आता है बाहर, हाथ आने से उसको नॉर्मल करने का चांसेस नामुमकिन है। उसके अलावा ऐसे कभी कभी सर से आता है बच्चे, या कभी कभी पाँव से आता है। अभी आजकल क्या हुआ है बोले तो, पाँव से आने से और बच्चा पहला होने से ये कानून बन गया है कि नॉर्मल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क है कि बच्चे कुछ हो जाए नॉर्मल करने से। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले बच्चे होने से और बच्चे पाँव से रहने से पहले ही हम पेशेंट को बोल देते हैं कि ये सिजेरियन होना चाहिए। और अगर वो सब अच्छा होके बच्चे का सर ही नीचे है तो चांसेस है कि साधारण डिलीवरी कर सकते हैं। वो साधारण डिलीवरी करने के लिए हम और एक बात देखना है कि बच्चे का सर का साइज़ क्या है, बच्चे का पूरा साइज़ कैसा है, और माँ का योनि का नाप कैसे है, वो घुस सकता है या नहीं, बच्चे का अंग ऐसे घुस के आसानी से आ सकता है या नहीं, या ये सब हम लास्ट चेकअप में यानी आखिर महीने में अंदर चेकअप भी करके हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, इसमें हम ट्राई कर सकते हैं साधारण डिलीवरी करने के लिए। और ये भी देखना है कि आप हम सभी अच्छे होके भी साधारण डिलीवरी के लिए भी डिसाइड भी कर लेते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के समय में कभी इमरजेंसी होने से तुरंत हम डिसाइड करना चाहिए कि सिजेरियन करना पड़ेगा। ऐसे क्या क्या हो सकता है बोले तो, या बच्चे थक जाए, या और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या माँ थक जाए, या माँ को कुछ प्रॉब्लम हो, वो सब प्रॉब्लम होने से हम तुरंत डिसाइड करके और ना साधारण डिलीवरी को उधर ही स्टॉप करके सिजेरियन के लिए तैयार करके सिजेरियन करना पड़ता है। मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप डॉक्टर सर्कल्स को सब्सक्राइब करें।